कार्ड इशू किया जाएगा और उस कार्ड में मंथली आपको 400 से 425 यूरो आपके अकाउंट में डाला जाएगा। 100 में से 99% लोग वहाँ पे फेल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, मैं हूँ आपका होस्ट अदीज मिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अच्छा जी, आज वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्रांस के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि क्या हमें फ़्रांस के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसी के हवाले से मैं आज आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन पर क्लिक करो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपको फ़्रांस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान से लीगल बेस पे आते हो फ्रांस के अंदर, ठीक है, उसकी कुछ वजूहत ऐसी हो सकती हैं कि आप यहाँ तो यूनिवर्सिटी बेस पे आते हो, स्टडी बेस पे, तो आप वहाँ पे स्टडी अपनी मुकम्मल करोगे, देन आपको आगे आपको वो स्टेटस दिया जाएगा कि आप वहाँ पर जो वर्क भी कर सको और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी मुकम्मल कर सको। पहली बात तो ये है। उसके बाद ये है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो विज़िट बेस पे आते हैं, जैसे कि एक बहुत अमीर फैमिलीज़ हैं वो आती हैं विज़िट बेस पे, वहाँ पे विज़िट करती हैं, घूमने के लिए आती हैं, ठीक है, वो भी आके वहाँ पे असाइलम करवा सकते हैं और करवाते भी हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि जो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वो हैं डंकी पे आते हैं, डंकी पे लोग वहाँ पे आते हैं, जैसे डंकी लगा के आते हैं, यूरोप में आए होते हैं और यूरोप में आके वो आगे फ्रांस में जाते हैं, वहाँ पर असाइलम करवाते हैं। और असाइलम करवाने के बाद वो उनके साथ क्या मामलात होते हैं, क्या क्या सीन होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जैसे ही वो असाइलम करवाते हैं, दो अदारे हैं अलग अलग से, एक अदारा जिसमें आप असाइलम करवाते हैं जाके, वहाँ असाइलम करवा के और आपके जहाँ वहाँ पे फिंगर होते हैं कि आपके फिंगर किसी और कंट्री में है या नहीं, ये देखा जाता है, और फिंगर लिए जाते हैं ताकि आप इससे ये भी चेक हो सके कि आपने यूरोप के अंदर कोई गलत काम तो नहीं किया। तमाम चीज़ें वहाँ पर कंट्रोल करते हैं, आपके आई स्कैनिंग, फेस और हर चीज़ करके उसके बाद आपको एक कार्ड इशू किया जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको घर नहीं दिया जाता, घर आपने खुद लेना होता है। इसके अलावा एक और अदारा है, आप उसी उन्हीं दिनों के स्टार्टिंग के डेज़ के साथ ही एक और अदारे के पास जाते हैं जहाँ पे आपने अपनी फूड अलाउंस के लिए वहाँ पे अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाना होता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। तो वो एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी फ़ंड एजेंसी है जो आपका कार्ड, डेबिट कार्ड आपको इशू करती है, उसी टाइम जिस टाइम आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है उसी दिन आपको वो कार्ड इशू किया जाएगा और उस कार्ड में मंथली आपको 400 से 425 यूरो आपके अकाउंट में डाला जाएगा। वो जो पैसे डाले जाएंगे वो आपके फूड के अलाउंस होंगे, सिर्फ फूड के अलावा आप कोई और चीज़ उससे नहीं खरीद सकते, ठीक है। और ये चीज़ तब तक आपको, फूड अलाउंस तब तक आपको मिलता रहता है जब तक आपका असाइलम चल रहा होता है। और फ्रांस के अंदर जो असाइलम की बात करें, पाकिस्तानी हैं या किसी और कंट्री के हैं, जो असाइलम जो चलने का स्टेटस है वो बिल्कुल जैसे ही आपने फिंगर दिए विद इन 3 से 4 मंथ के अंदर आपके वहाँ पे आपका कमीशन आ जाता है, और कमीशन की बेस के ऊपर वो चेक करते हैं कि क्या है इस बंदे की क्या वजूहत है, ये क्यों, ये इंसान या ये फैमिली मेम्बर यहाँ पर क्यों आए और आखिर ऐसी क्या वजह थी यहाँ पर आने की। तो मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूँ कि यार हकीकत है, 100 में से 99% लोग वहाँ पे फेल होते हैं, उनको वो स्टेटस नहीं दिया जाता। और जितने भी फ्रांस के अंदर लोग होते हैं जो डंकी लगा गए होते हैं या दूसरे तीसरे हैं, वो ज़्यादातर वहाँ पे वो उनको फेल करते हैं और वो उनका स्टेटस वहाँ पे इलीगल होता है, लेकिन वहाँ से निकालते नहीं हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। इसके अलावा एक और वजूहत है कि अगर आप वहाँ पर कोई गलत काम करते हैं फिर आपको वहाँ पर डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लिहाजा जो लोग ये पूछते हैं कि हमें फ़्रांस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप फ्रांस आ सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ पे आप इलीगल काम भी कर सकते हैं, काम भी मिल जाते हैं। मैं आपको काम के हवाले से भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि फ़्रांस में ज़्यादातर कौन से काम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो फ्रांस के अंदर डॉक्यूमेंट्स की बात यह है कि फ़्रांस में बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स बेस पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सिर्फ 1% चांस है डॉक्यूमेंट्स का। और आपको ये भी मैं बताऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो में कि किन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और कैसे मिल सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो बताना चाह रहा था वो आपको समझ आ गई है कि फ़्रांस में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल बताई है, बातें बहुत ज़्यादा हैं करने वाली, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।